गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ईवीएस क्लास। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज थिंग्स अराउंड अस। नाउ ओपन बुक पेज नंबर 94. See, this is your EVS book page number 94. In the starting of the chapter, an exercise is given to you. And the question is, tick the natural things and cross the man-made things. आपने इस एक्सरसाइज में क्या करना है? You have to tick the natural things. जो things natural हैं उनको आपने tick करना है, and the things that are man-made उनको आपने cross करना है, okay? Natural things and man-made things. अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि natural things क्या होती हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो man-made हैं, okay? So first of all, we will start reading this chapter. There are many things around us. But we can see lots of things around us. हमारे चारों ओर बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ देखते हैं. Some of them are natural and some are man-made. उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो natural हैं और कुछ जो है वो मैनमेड है. अब नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं और मैनमेड थिंग्स किसे कहते हैं ये हम जानेंगे, ओके? सो फर्स्ट सब हेडिंग इज नेचुरल थिंग्स, थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर. जो चीज़ें प्रकृति में पाई जाती हैं, थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड natural things. बेटा natural things are made by mother nature. natural things को किसने बनाया है? mother nature ने बनाया है. और हर वो चीज़ जो हमारी हमारे nature में पाई जाती है, जो हमारी प्रकृति में पाई जाती है, हमारे पास होती हैं, वो सभी natural things हैं, okay? natural things are made by mother nature. अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल है? सन, मून, माउंटेन्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, एनिमल्स, एट्सेट्रा. ये सभी चीज़ें नेचुरल हैं. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स. सन, मून, माउंटेन्स, प्लांट्स, एयर, वाटर, एनिमल्स, ये सभी नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल्स हैं. क्योंकि इन सबको किसने बनाया है? इन सबको मदर नेचर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, ओके? नाउ लुक एट द पिक्चर्स बिलो. रोज प्लांट, एलिफेंट, बनाना, गर्ल, वाटर, All these things are also natural. ये सभी things भी natural हैं क्योंकि इनको भी किसने बनाया है? Mother nature ने बनाया है, God ने बनाया है. So in easy words we can say that things that are made by nature are called natural things. Things that are found in nature are called natural things. Okay? And now come on book page number 95. Okay, beta. See, page number 95. It's page number 95. Man-made things. Man-made things. Now we will know more about man-made things. Okay. Things that have been made by man are called man-made things. Things that are made by man are called man-made things. वो चीज़ें जो इंसान ने बनाई हैं, जिनको man ने बनाया है, उन्हें हम
मैनमेड थिंग्स कहते हैं. थिंग्स लाइक व्हीकल्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड थिंग्स. आप देख सकते हैं कि ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, मैनमेड थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं. कौन कौन से? व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ, ब्रिजेस, पुल, बिल्डिंग्स, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सभी जो हैं इंसान ने बनाई. अब इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मशीन्स हैं. ओके, सी वॉशिंग मशीन, बुक, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, बस, ऑल दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ मैनमेड थिंग्स. ये सब भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? मैनमेड थिंग्स के. क्योंकि इन सब को किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है, मैन ने बनाया है, इसलिए इन्हें हम मैनमेड थिंग्स कहते हैं. ओके, इन इजी वर्ड्स वी कैन से दैट थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैनमेड थिंग्स. ओके बेटा, तो अब आपको क्लियर है कि कौन सी थिंग्स नेचुरल होती हैं और कौन सी मैनमेड होती हैं. जिनको मदर नेचर ने बनाया है वो सभी थिंग्स नेचुरल होंगी, और जिनको मैन ने यानी कि इंसान ने बनाया है वो सभी थिंग्स जो हैं मैनमेड थिंग्स कहलाती हैं. ओके, नाउ यू कैन डू दिस एक्सरसाइज बाय योर ओन. अब यहाँ पर आप पिक्चर्स को देख के इजीली पता लगा सकते हो कि इसको मदर नेचर ने बनाया है या इंसान ने बनाया है. एंड यू कैन टिक द नेचुरल, यू विल टिक द नेचुरल थिंग्स एंड यू विल क्रॉस द मैनमेड थिंग्स. ओके बेटा, डू इट बाय योर ओन. नाउ सी, नाउ वी विल नो अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब लिविंग का मीनिंग क्या होता है? लिविंग मीन्स जिंदा. ओके, और नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती है, जो जिंदा नहीं होती है. ओके, नाउ वी विल रीड दिस पार्ट ऑफ द पेज, लिविंग एंड नॉन लिविंग. सी द सब हेडिंग, सॉरी, सी द नेक्स्ट हेडिंग एंड स्टार्ट रीडिंग. थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस कैन ऑल्सो बी ग्रुप्ड एज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अभी हमने एक ग्रुप डिस्कस किया जो नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स थी. वो चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं उनको हम नेचुरल थिंग्स और मैनमेड थिंग्स में का ग्रुप बना सकते हैं. सेम ऐसे ही हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उनको हम उनका एक और ग्रुप हम बना सकते हैं एज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हम जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. नेक्स्ट सब हेडिंग इज लिविंग थिंग्स. सम ऑफ द थिंग्स अराउंड अस हैव लाइफ. हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ चीज़ों में जो है जान होती है. दे हैव लाइफ, उनमें जीवन होता है. वी कॉल दैम लिविंग थिंग्स. और जिन चीज़ों में जान होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग थिंग्स के. अ बॉय, अ प्लांट, हैन, रैबिट, गर्ल, ऑल दीज आर लिविंग थिंग्स. क्योंकि ये सभी जिंदा हैं, ये इनमें जान होती है, इसलिए इन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. नेक्स्ट सब हेडिंग इज नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती हैं. सम ऑफ द थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ. कुछ चीज़ों में लाइफ नहीं होती है, जान नहीं होती है. वी कॉल दैम नॉन लिविंग थिंग्स. और इन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. टेबल, चेयर, बॉल, कप आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. टेबल, चेयर, बॉल, कप, ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के, क्योंकि इन सब में जान नहीं होती है. बस, कार, रिवर, हाउस, टेलीफोन, ऑल दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ये सब भी नॉन लिविंग थिंग्स के
एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए, अब आप ये पता कैसे लगाओगे कि ये जो थिंग है ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? कि कैसे फाइंड आउट करोगे कि किस में लाइफ है और किस में लाइफ नहीं है? ये बेटा हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी अपनी कुछ पहचान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो उनसे एकदम डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डिफर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स। उनकी जो है ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये डिफरेंट पहचान होती हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। आप देख सकते हैं कि बॉय हो, प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, इन सभी को क्या चाहिए होता है? दे ऑल नीड फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक। इन सबको खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी चाहिए। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो है क्या है कि लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ना खाना चाहिए और ना पानी चाहिए। अब आप खुद ये देख सकते हैं, क्या टेबल, चेयर, बॉल, कप, फोन, ये सब खाना खाते हैं? नो ना। लेकिन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑल नीड फूड एंड वाटर। ओके बेटा, अब जो सेकंड पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम इनमें इन डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है ग्रो। जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे कैन ग्रो इन साइज, दे ग्रो इन साइज, वो साइज में बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले एक छोटा सा सीड होता है, फिर अगर उसे हम मिट्टी में एक छोटा सा हॉल डिग करके दबा दें तो उसमें से क्या निकलता है? स्प्राउट निकलता है, बेबी प्लांट बनता है, फिर वो बड़ा होता है और एक बड़ा ट्री बन जाता है। ऐसे ही छोटा बेबी जो चल भी नहीं सकता, फिर वो चलता है, फिर बड़ा होता है और फिर बूढ़ा हो जाता है। तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं बेटा ये ग्रो करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हैन का जो बेबी होता है पहले वो एग में होता है, छोटा सा बिल्कुल, फिर एग शेल को क्रैक करके वो बाहर आता है, फिर बड़ा होता है और फिर हैन जैसा बड़ा हो जाता है। तो ये जो लिविंग थिंग्स हैं बेटा दे कैन ग्रो, वे बड़ी हो सकती हैं, दे कैन ग्रो इन साइज, उनका वे साइज में बड़ी हो सकती हैं। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, वे ग्रो नहीं कर सकती हैं। अब आपने देखा होगा आपके घर पे जो फ़ोन है क्या उसका साइज बड़ा होता है टाइम के साथ साथ? वो तो सेम साइज का रहता है। ऐसे ही जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स आप यूज़ करते हो, वो भी सेम साइज के रहते हैं। व्हाई? बिकॉज नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो इन साइज। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि जो लिविंग थिंग्स हैं दे कैन ब्रीद, वो ब्रीद कर सकते हैं, दे ब्रीद, वो सांस लेते हैं, दे ब्रीद इन ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को सांस के थ्रू अंदर लेते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीद नहीं करती हैं। ओके, एक और पॉइंट है, वो क्या है, लिविंग थिंग्स कैन फील, लिविंग थिंग्स को फील होता है। अगर हम किसी गर्म बर्तन को टच करें तो एकदम से अपना हाथ हटा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें फील होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियाँ होती हैं वो चाहे कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो कभी आपको बोलती हैं कि हमें धूप लग रही है या हमें ठंडी लग रही है? नो ना, बिकॉज दे डू नॉट फील, वो फील नहीं करती हैं, बट लिविंग थिंग्स फील। आपने देखा होगा कि सर्दियों में एनिमल्स कैसे दिखने बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सर्दियाँ होने की वजह से वो छुप जाते हैं सर्दी से बचने के लिए। एक और पॉइंट है, वो क्या है
लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने आप मूव कर सकती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने आप जा सकती हैं. जैसे वी कैन मूव बाय वॉकिंग, हम वॉक करके मूव कर सकते हैं. एनिमल्स ऑल्सो मूव एंड इवन प्लांट्स ऑल्सो मूव. लेकिन प्लांट्स जो हैं उनके जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, ग्राउंड को पकड़ के रखती हैं, ग्राउंड में जो मिट्टी, तो वो अपने प्लेस से मूव नहीं करता, लेकिन वो साइड टू साइड, लेफ्ट टू राइट हवा के साथ जो है मूव कर सकता है. ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बर्ड्स हों, ह्यूमंस हों, ये सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं. प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. प्लांट्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकते हैं. बट दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स. लेकिन वो अपने बॉडी पार्ट्स तो मूव कर सकते हैं ना. आपने देखा होगा जब हवा चलती है तो कैसे प्लांट मूव करता है. अब देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी मूव करती हैं, जैसे कार मूव करती है, जैसे फैन मूव करता है. यस, सम नॉन लिविंग थिंग्स मूव, लाइक फैन रोटेट्स एंड कार मूव्स, बट दे कैन नॉट डू दिस बाय देयर ओन. वो अपने आप ये नहीं करती हैं. कार को मूव करने के लिए क्या चाहिए? डीजल, पेट्रोल या फिर CNG चाहिए. ओके, और फैन को मूव करने के लिए क्या चाहिए? फैन जब भी रोटेट करेगा, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी. ओके, इन सब के बेसिस पे ही नॉन लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं. लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपने आप मूव कर सकती हैं. आप देखते हो रैबिट कैसे हॉप करता है, एंड आप जो हो कैसे मूव करते हो. क्या आपको डीजल, पेट्रोल या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? यू डू नॉट नीड ऑल दीज थिंग्स, बट यू नीड फूड एंड वाटर. ओके बेटा, सो नाउ आई होप कि आपको जो है चैप्टर क्लियर होगा. आप अब इजीली नेचुरल और मैन मेड में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. यू कैन आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स इजीली, बिकॉज जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं वो मैन मेड हैं, जिनको मदर नेचर ने बनाया है वो नेचुरल है. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. मैंने आपको बताया कि सभी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लिविंग हैं, बिकॉज दे नीड फूड एंड वाटर, दे ग्रो इन साइज, दे ब्रीद एयर, दे फील एंड दे कैन मूव ऑन देयर ओन. एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं they cannot do all these things. They do not need food and water. They do not grow in size. They do not breathe air. They do not feel. They do not move on their own. ठीक है, तो अब जो है आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है पेज नंबर 94 पर जो एक्सरसाइज दी गई है दैट यू हैव टू कंप्लीट. ओके, and you have to read the chapter at least 2 times. In the next video we will discuss the different question answers and fill ups related to the chapter. Okay beta, so read the chapter again and again and learn the spelling of all the difficult words that are coming in this chapter. Okay beta, do it very carefully and learn the spellings well. Learn the spellings of difficult words well. Okay, beta. Thank you. Goodbye and have a nice day.